के बाद बंक था लंच का। आए हैं अब लंच करने के लिए। एकदम पानी से निकलने के बाद एकदम एनर्जी ड्रॉप हो जाती है ना, बस वही हुआ है। हम सबकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो गई है, बट हम वापस अपने आप को रिचार्ज करेंगे और पूरा दिन और भी एक्साइटिंग और भी हैपनिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले जाते हैं और खाना खाते हैं। इंडिया में तो आई थिंक ज़्यादा आधे से ज़्यादातर लोगों को चाय पसंद है, बट यहाँ पे भी लोगों को पसंद है। ये जगह का नाम भी टी फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत अलग अलग स्टाइल के आई थिंक फ्लेवर्स है टी के, और ये अलग अलग है। और इसके बिना तो मतलब पता ही ना ये छन्नी की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इज दिस? ये कोल्ड टी है, कोल्ड ब्रू टी। लंच के बाद भाविका निकल पड़ी पटाया से वापस बैंकॉक की तरफ। जी हाँ, पटाया से बैंकॉक जाने में 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि अब भाविका बैंकॉक को एक्सप्लोर करेंगी। So, हम आ गए हैं बैंकॉक में और अभी हम हैं लैंडमार्क बैंकॉक ये होटल में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि यहाँ पे सभी लोग बहुत वेट कर रहे थे कि हम कब आए उनसे मिले। इन्होंने यहाँ का जो मेन ट्रेडिशन है मैंगो स्टिकी राइस, वो भी यहाँ पे हमारे लिए रेडी किया है। प्रॉपर हाइकी भी रेडी है। आई एम सो एक्साइटेड एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट। यू हैव टू मीट हर। वेलकम टू द लैंडमार्क बैंकॉक। आइए ना। वैसे बैंकॉक पहुंचते ही होटल लैंडमार्क की टीम ने उनका स्वागत किया और हाँ, उनके लिए खास हाई टी और यहाँ का ट्रेडिशनल मैंगो स्टिकी राइस का नाश्ता उनके लिए रेडी था। मैंगो स्टिकी राइस बहुत फेमस है और जब भी यहाँ कोई किसी का स्वागत करता है तो वो ये खिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाविका का बैंकॉक में कैसे हुआ थाई अंदाज में स्वागत सत्कार। And this is what? Coconut milkshake. Coconut. No, milkshake. Fresh coconut. Fresh coconut water. Yeah. Which is, I think our coconut is so fresh and sweet. Yeah. Organic. It's organic. Organic, yes. Yeah. It's so refreshing. This is actually very good. Yahan par aaye to ye to definitely try karna.